हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं मिशन विदेश। दोस्तों मिशन विदेश में आप सभी का वेलकम है और आज मैं बात करने जा रहा हूं कतर वीज़ा के बारे में। कुछ लोगों को शायद पता होगा कि कतर ने वीज़ा फ्री कर दिया है 80 कंट्रीज़ के लिए, विदाउट वीज़ा आप जा सकते हैं, बट उसके लिए एक शर्त है कि आप अपने पास पासपोर्ट या फिर रिटर्न टिकट आपके पास होना चाहिए। तो दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी आपको अगर अच्छी लगती है तो आप अपने जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं। अगर आप जॉब सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं कतर में, या फिर आपके पास 30 डेज होंगे, ठीक है, जो 80 कंट्रीज़ हैं उनमें से 47 कंट्रीज़ को उन्होंने 30 डेज़ की वैलिडिटी दी है कि आप 30 डेज़ तक विदाउट वीज़ा कतर में रह सकते हैं, आप वहाँ पे जॉब सर्च कर सकते हैं जैसे कि आप लोग दुबई में करते थे। बट ये लीगल तो नहीं है, इसका कोई लीगली रूल नहीं है, बट आप जाकर वहाँ पर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और 33 कंट्री जो हैं उनको 180 डेज़ के लिए वीज़ा फ्री किया गया है, और इस केस में आप वहाँ पे जाकर आप उस मैं अभी यहाँ बात कर रहा हूँ इंडिया की, ठीक है। इस कैटेगरी में पाकिस्तान को जगह नहीं मिली है, पाकिस्तान को यहाँ पे वीज़ा फ्री नहीं किया गया है। अगर आप इंडिया से हैं तो आप वहाँ पे जाकर अपना जॉब सर्च कर सकते हैं। अभी मैं कुछ ही टाइम में आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं टॉप 10 जॉब कंसल्टेंसीज के बारे में डिस्कस करूँगा, तो उन कंसल्टेंसीज के बारे में बताऊंगा जो हायर करती हैं। अभी आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, हो सकता है बाद में पाकिस्तान के लिए भी ओपन कर दिया जाए। और एक्चुअली ये जो वीज़ा फ्री करने का एक ही रीज़न था कि अरब कंट्री से और बहरीन से कतर के रिलेशन थोड़ा सा ख़राब हो गए थे, ये बोल के कि वो ईरान को सपोर्ट कर रहा है, कुछ इल्लीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो इस बिहाब पे कतर ने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, इकोनॉमिकली स्ट्रांग करने के लिए वीज़ा फ्री किया गया ताकि टूरिज़्म को ज़्यादा बढ़ावा मिल सके, और आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, आप वहाँ पे जाके जॉब सर्च कर सकते हैं। तो ध्यान रहे कि आपके पास पासपोर्ट और वीज़ा की कॉपी हो, ठीक है, समझ गए आप। और अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करें।